नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं देश के पहले वाटर मेट्रो के बारे में। देश का पहला वाटर मेट्रो, जिसका एक्चुअली में भी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कहाँ देश के पहले मेट्रो की शुरुआत की जानी है, और साथ ही इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, केरल में देश के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाना है। कब किया जाना है? ये किया जाएगा 25 अप्रैल को, ठीक है, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो कोच्चि वाटर मेट्रो सर्विसेज है इसकी शुरुआत की जाएगी। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना, यह ना केवल भारत का पहला है बल्कि यह दक्षिण एशिया का भी पहला वाटर मेट्रो सर्विसेज होगा। ये जो वाटर मेट्रो सर्विसेज है, यह अब तक जो केरल में चली आ रही जो फेरी सर्विसेज हैं उसको रिप्लेस करेगा। फेरी सर्विसेज जिसकी एक्चुअली में केरल में काफ़ी आलोचना भी हो चुकी है उसके सेफ्टी मेजर्स को लेकर के, जिसके बाद जो अब ये स्टेप है, यानी कि जो वाटर मेट्रो का स्टेप है, यह काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। ध्यान रखना, केरल में जो फेरी सर्विसेज है इसे एक्चुअली में केरल वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। ये है केरल का जो वाटर मेट्रो है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। साथ ही ध्यान रखना, यह जो वाटर मेट्रो सिस्टम है, ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली कोच्चि और सहित कुल 10 आइलैंड्स को इसके अंतर्गत जोड़ने की योजना बनाई गई है। साथ ही ध्यान रखना, इस वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की मदद से जो केरल है इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ ही साथ इसका जो पर्यटन है इसे बढ़ावा भी मिलेगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत, यानी ये जो वाटर मेट्रो सिस्टम है यह एक्चुअली में काफ़ी इकोनॉमिकल होगा, काफ़ी किफ़ायती होगा, और तकरीबन हर एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये लगातार चलाया जाएगा जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही ध्यान रखना, यह जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है यह कुल 78 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 15 रूट्स को कवर करेगा। इसकी जो कुल निर्माण लागत बताई गई है तकरीबन 819 करोड़ रुपए है, और इसके अंतर्गत जो फंड्स हैं ये एक्चुअली में भारत और जर्मनी दोनों के सहयोग से इसका जो फंड है वो जुटाया गया है, ठीक है, और यानी कि बेसिकली दोनों के वित्तीय सहयोग से ही इसका जो निर्माण कार्य है ये कंप्लीट किया गया है। साथ ही ध्यान रखना, इसके अंतर्गत यह जो इसके यानी ये जो वाटर मेट्रो होगा इसके अंतर्गत जो मेट्रो बोट्स होंगे, ठीक है, तो पर मेट्रो बोट्स की कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए तक बताई गई है। साथ ही साथ प्रति जो हर एक जो बोट होगा वो एयर कंडीशनड होगा, इसमें तकरीबन 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता भी होगी। अब चूंकि यह जो बोट है, यह जो मेट्रो बोट है, यह एक्चुअली में हाइब्रिड वे में काम करेगा, यानी इसमें बैटरी का भी सिस्टम होगा और साथ ही साथ इसमें डीजल का भी सिस्टम होगा। तो जो बैटरी वाला होगा वो एक्चुअली में 10 से 15 मिनट में चार्ज हो सकेगा, ठीक है, और इसकी गति की बात करें तो यह तकरीबन 10 नॉटिकल माइल्स पर आवर तक की स्पीड देने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही ध्यान रखना है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 23 वाटर मेट्रो बोट और साथ ही कुल 14 टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत शुरुआत में जो 4 टर्मिनल्स हैं यह पूरी तरीके से अभी तैयार हैं, ठीक है, बाकी जो टर्मिनल्स हैं तकरीबन 38 टर्मिनल्स और 78 बोट्स जो हैं वो जब भी ये पूरी तरीके से काम करने लग जाएगा तो इन सभी को भी तैयार किया जाना है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 6 पंचायत और 3 म्यूनसिपालिटीज़ को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही ध्यान रखना है, इस मोटर बोट इस वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेसिकली जो दिव्यांगजन हैं या फिर जो महिलाएं हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी इसके अंतर्गत मुहैया कराई जाएंगी। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की देश के पहले वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में केरल के कोच्चि में की गई है, की जानी है एक्चुअली में। तो आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।